हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन धर्मेंद्र क्लासेस। मैं डीके सर, इंग्लिश में डीके सर के चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, जो आपके प्रीवियस पेपर यानी एसएससी, बैंक, एयरफोर्स, नेवी, टेट जैसे सारे एग्जाम्स में आया। दोस्तों, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए सबसे पहले बात करें हम लोग सन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, सन का मतलब होता है दूर। अब सूरज जैसा आकार बना है, एस में एच साइलेंट है, इसको सनी तो पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और दूर होने की जो सिनोनिम्स होती है यानी प्लेनेट की बात करें तो देखिए यहां पे डिस, मैं डिस्टेंट, तो कैसे याद रखोगे? डिस का मतलब होता है दोस्तों डिसमिस कर देना, दूर कर देना, अलग कर देना। इलूड, मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इलूड का भी मतलब होता है दूर रखना। तो आपको इन समय लूडो से थोड़ा दूर रखना है खुद को। इस चीव, तो आपको देखो मेरे प्यारे बच्चों, चीव चीव चिड़िया जो होती है वो भी आपसे दूर हो गई है यहाँ पे, तो इस तरह याद रखना। इवेट, तो इवेट का भी मतलब होता है दूर रखना। ये देखो बच्चों, डोज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों दूर रखना। और यहाँ पे कीप अवे, तो आपको पता है कीप अवे फ्रॉम। और रिफ्यूज का मतलब मना करना, दूर रखना। और इग्नोर का मतलब आपको पता है, अवॉइड का मतलब आपको पता है। ये सारे सिनोनिम्स आपको याद कर लेने हैं। तो क्या ट्रिक मिला दोस्तों? सन से हर कोई दूर रहना चाहता है, ठीक। हमने एक बुक ऐप के 11 सिनोनिम्स बताए, अब आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए, सन का मतलब होता है दूर होना, ये याद कर लीजिए, ठीक। अब मैं आपके सामने आता हूँ इंडेफिनिट प्रोनाउन का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। दोस्तों सबसे पहले बात करें इंडेफिनिट प्रोनाउन में, इंडेफिनिट प्रोनाउन को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। तो पार्ट ए में देखिए दोस्तों, इसमें देखिए अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें बॉडी लगा है, इसमें भी बॉडी लगा है, देख रहे हैं नहीं? तो जिसमें जिसमें बॉडी लगा रहता है वो पार्ट ए में आता है, और पार्ट ए और वन लगा रहता है। देखिए इसमें वन और वन है, तो आपको बस दिमाग में ये रखना दोस्तों कि जब कभी भी बॉडी बॉडी आए, वन वन आए, तो इनका यूज हम लोग पर्सन के लिए होता है। और पर्सन के लिए होता ही होता है, आपको ये भी ध्यान देना दोस्तों, इनके बाद हमेशा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है, और पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव हमेशा हिज लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, खत्म हो गया। बस आपको याद रखना कि इनका जो यूज होता है दोस्तों किसके लिए होता है, तो पर्सन के लिए होता है, किसी व्यक्ति के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता, बस इतना याद रखना। दोस्तों इसके अंत में देखिए थिंग लिखा है, थिंग 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 मतलब रूल बिल्कुल खत्म हो गया दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। देखिए बॉडी लगा हो, बॉडी आप बताओ, खुद बताओ, बॉडी इंसान बनाता है ना, जिम जाता है तो अपना बॉडी बनाता है, और अकेले बनाता है तो अकेले का मतलब वन होता है। तो याद रखना दोस्तों, जब कभी भी वन बॉडी हो तो इसका मतलब एक पर्सन के लिए होगा, इनके साथ जो वर्ब होगा सिंगुलर वर्ब होगा, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज लगाएंगे दोस्तों, ये हमारा रूल है, ठीक। अब बात आती है कि इसमें थिंग है तो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ क्या रूल होगा? तो दोस्तों इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब लगेगा, और प्लस इट्स का प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग नहीं करेंगे, इट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नॉन लिविंग है दोस्तों, और नॉन लिविंग के लिए हमेशा हम लोग इट्स का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब है, बट यहाँ पे इट्स लगा है और यहाँ पे हिज लगा है, रूल खत्म होता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि 2011 से लेके 2020 तक के प्रीवियस प्रश्न जो भी बने हैं कहाँ से बने, चलिए हम उसको करा देते हैं। तो अगर आप लोग इसको नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, किसके लिए यूज होता है, तो ये वस्तु के लिए होता है, यहाँ पे लिख लेना, ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, वस्तु के लिए किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एक्सरसाइज, यहाँ पे कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे एक्सरसाइज। तो जब आप एक्सरसाइज करिएगा तो आप लोग खुद बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोग कर पा रहे हैं। रूल तो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते हैं जल्दी से। तो पहला सवाल मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा, बताइएगा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मेरे प्यारे बच्चों एवरीवन, बात समझना, अब एवरीवन, और यहाँ पे लिख दिया मेरे प्यारे बच्चे एवरीवन हैव डन डन डन, एवरीवन हैव डन, और यहाँ पे आ गए मेरे प्यारे बच्चों देयर वर्ब। आपको इसमें बताना है कि इसमें कितनी गलती मैंने की है, सारा प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। एक और प्रश्न दे रहे मेरे प्यारे बच्चों, हमने लिखा यहाँ पे एवरीथिंग, बात समझ रहे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा यहाँ पे एवरीथिंग, और एवरीथिंग के बाद लिखा मेरे प्यारे बच्चों आर, एवरीथिंग आर नोन, एवरीथिंग आर नोन, और यहाँ पे आ गया दोस्तों फॉर देयर ब्यूटी, फॉर देयर ब्यूटी। तो आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पे हर कोई चीज, हर कोई वस्तु अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, दुनिया में कोई भी चीज हो अपने ब्यूटीनेस के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि दो में से कितने सही कितने गलत हैं। तो पहले चेक करेंगे दोस्तों, एवरीबॉडी लगा है या वन आया है, ठीक। तो एवरी वन, समवन, कुछ भी आया तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है आपको। तो ये जो हैव है दोस्तों, ये तो सिंगुलर वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे हैव गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा होना चाहिए हैज, और हैज को कहते हैं सिंगुलर। अब कह रहा कि दोस्तों यहां पे देयर गलत हो जाएगा, इनके साथ हमेशा हिज का यूज करते हैं, तो ये आपको दिमाग में रखना है, कभी गलत नहीं। दूसरा एग्जांपल कह रहा बच्चों, यहां पे एवरीथिंग लिखा है, तो एवरीथिंग के साथ देखो दोस्तों सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहां चेक करेंगे कि आर तो सिंगुलर वर्ब नहीं होता है, प्लूरल वर्ब होता है, तो यहां पे हमें क्या लगाना है दोस्तों, इज लगाना है। गेटिंग,
इसके बाद क्या रहा कि पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे, और यहाँ पे दिया देयर है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे इट्स होना चाहिए। तो आपने देखा कि इस एग्जाम्पल से चीजें क्लियर हुई कि नहीं, तो चलिए मैं दो एग्जाम्पल और लेता हूँ और उसको बताइएगा आप लोग बना पा रहे हैं बना पा रहे हैं। ये प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तो जल्दी से बनाइएगा कि इसमें आप लोग सही जवाब दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे हम आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2 करके आ रहे हैं, जल्दी से बताइए दोस्तों, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाए। पहला दिया है यहाँ पे कि नो वन, समझना मेरे प्यारे बच्चों, नो वन करके दिया है दोस्तों, और यहाँ पे लिखा नो वन लाइक, नो वन लाइक यू। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये प्रश्न है आपको बताना है इसमें सेंटेंस में कहाँ पे रही है, पेपर में आया हुआ था दोस्तों, बड़ा छोटा सा सवाल था, मल्टीटास्किंग में पूछा गया था, पीआरटी में पूछा गया था, बट एयरफोर्स में पूछा गया था, लेकिन है महत्वपूर्ण। तो नो एरर करके सवाल आया है मेरे प्यारे बच्चों, ये डी ऑप्शन, तो आप चेक करके बताना हमें, हम आपको क्वेश्चंस के ऑप्शन भी दे रहे हैं यहाँ पे। फिर दिया मेरे प्यारे बच्चों समवन, देखना दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है समवन, और यहाँ पे लिखा है यहाँ पे है समवन हैज डन, समवन हैज डन, और यहाँ दिया दोस्तों वंस ड्यूटी। बस ये दो प्रश्न कर लीजिए, उसके बाद आपको कभी नहीं पढ़ना है। अगर ये दोनों सही हो गए तो समझ लीजिए आपके प्रीवियस ईयर के पेपर भी खत्म हो गए, आपका रूल भी समझ में आ गया। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इस पार्ट में कहाँ पे एरर है, जल्दी से देख लेते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को देखिए यहाँ पे लिखा नो वन, और मैंने क्या बताया दोस्तों कि नो वन सम वन एवरी वन, कभी भी अगर वन आता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब पेश करते हैं। और सिंगुलर वर्ब होता क्या है दोस्तों, सिंगुलर वर्ब में जैसे ये मेन वर्ब है ना दोस्तों, इसको कहते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, अगर कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है अगर इसमें यस नहीं लगा है ना दोस्तों, तो ये अपने आप में होता है प्लुरल वर्ब। जैसे लव हो गया, लाइक हो गया, ये सब के सब प्लुरल वर्ब है, लेकिन जैसे ही अगर लव है लाइक है इसमें यस लगा दिया ना दोस्तों, तो ये बन जाता है सिंगुलर वर्ब। ये मेरे वर्ब के पार्ट वन में आप लोग पढ़िएगा, उसमें मैंने बहुत ही एक्सप्लेन इजी तरीके से करके बताया है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें एक बी में एरर हो जाएगा, क्यों? तो लाइक के जगह पे दोस्तों हमें लिखना पड़ेगा लाइक्स। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि लाइक बन गया हमारा सिंगुलर वर्ब जब हमने यस लगाया, यस नहीं लगा था तो अपने आप में क्या था दोस्तों, प्लुरल वर्ब था, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, समवन दिया है तो समवन के बाद सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों यहां देखो वंस आ गया, ये वंस नहीं है दोस्तों, ये वंस गलत हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, हिज होना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से बताओ दोस्तों क्लास कैसा लगा, यहाँ पे हिज होना चाहिए। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा एक वोकैब, जिस वोकैब का नाम था एस एच यू एन, सन, सन का मतलब होता है दूर होना, अवॉइड, इश्यू, डिसडेन, रिफ्यूज करना, कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर होना, ये सारे सिनोनिम्स पढ़े। इंडेफिनिट प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जिसके बारे में हम लोग परिचित नहीं होते हैं, अननोन चीजें होती हैं। जैसे इसको दो कैटेगरी में बांटे, पहला कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, समवन, नोवन, एनीवन, कितना मजा आ रहा है, एवरीबॉडी समबॉडी, आप लोग जिम करो, एवरीबॉडी समबॉडी, नोबॉडी, समवन, नोवन, एनीवन, कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर। क्या लगाएंगे दोस्तों इस? इसमें क्या दोस्तों, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, फिर से बोलिए, एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग, एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग, एवरीथिंग समथिंग नथिंग एनीथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा और इट्स लगेगा, खत्म हो गया दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर करिएगा, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, और ताकि मैं आप लोगों को फिर मिल सकूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जल्दी से आइए दोस्तों और बिल्कुल पढ़िए यहाँ पे। जय हिंद, आज के लिए यही पे मेरे